नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, कर्मचारी चयन मंडल भोपाल के द्वारा वन विभाग के अंतर्गत वन रक्षक एवं क्षेत्र रक्षक तथा जेल विभाग के अंतर्गत जेल प्रहरी एवं सहायक जेल अधीक्षक अर्थात असिस्टेंट जेल सुपरिटेंडेंट के पद पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। दोस्तों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, सहायक जेल अधीक्षक रेड एवं ब्लू रिबन के साथ 3 स्टार पोस्ट है, जिसका वेतनमान एमपी पुलिस के सब इंस्पेक्टर के बराबर का है। दोस्तों, इसके संबंध में अधिक जानकारी के लिए यदि आप चाहें तो मैं आपके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा। यदि आप ऐसा चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, जिसमें हम जेल विभाग के प्रमुख पदों के बारे में आपसे एक बार चर्चा कर लेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे इस नोटिफिकेशन के बारे में कि कब से ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ हो रहे हैं, कब से कब तक आप आवेदन पत्र में संशोधन कर सकते हैं, क्या परीक्षा का दिनांक है, क्या एग्जाम का सिलेबस है, क्या शुल्क रखा गया है, क्या आयु रखी गई है, क्या शारीरिक मापदंड है, किस प्रकार से एग्जाम होना है, तमाम बातों पर चर्चा इस वीडियो में संक्षिप्त में हम करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आवेदन पत्र भरने की प्रारंभिक तिथि से, जो कि है 20 जनवरी 2023, और दोस्तों अंतिम तिथि है 3 फरवरी 2023। यदि आपने कोई गलती कर दी है या कोई भूल कर दी है आवेदन पत्र को भरने में, तो संशोधन की प्रारंभिक तिथि है 20 जनवरी 2023 एवं अंतिम तिथि है 8 फरवरी 2023। दोस्तों, परीक्षा के दिन एवं दिनांक की यदि हम बात करें तो दोस्तों 11 मई 2023 से आपके एग्जाम शुरू होने हैं। परीक्षा शुल्क की यदि हम बात करें तो अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिए ₹500 प्रति प्रश्न पत्र एवं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, निःशक्तजन अभ्यर्थियों के लिए जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं उनके लिए ₹250 प्रति प्रश्न पत्र रखा गया है। इसके अलावा दोस्तों पोर्टल शुल्क ₹60 अलग से देय होगा। यदि आप रजिस्टर्ड सिटीजन यूजर के माध्यम से लॉग इन कर फॉर्म भरते हैं तो पोर्टल शुल्क आपको ₹20 लगेगा। इसके अलावा अब हम चर्चा करते हैं ऑनलाइन परीक्षा पद्धति की समय सारणी की। दोस्तों 11 मई 2023 से आपका एग्जाम शुरू होना है। परीक्षा 2 पाली में होगी या 2 शिफ्ट में होगी। पहली शिफ्ट में अभ्यर्थियों के लिए रिपोर्टिंग टाइम 8 से 9 और आपका एग्जाम या उत्तर अंकित करने का समय आपके लिए 10 से 12 बजे 2 घंटे तक मिलेगा। इसी प्रकार से दूसरी शिफ्ट में दोस्तों रिपोर्टिंग टाइम 1 बजे से 2 बजे दोपहर और आपके लिए उत्तर अंकित करने के लिए 3 बजे से 5 बजे तक 2 घंटे का समय मिलेगा। उत्तर अंकित करने के पहले 10 मिनट आपके लिए निर्देश पढ़ने को अलग से दिए जाएंगे। दोस्तों और भी जानकारी नोटिफिकेशन में दी गई है, जिसको आप नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। नोटिफिकेशन आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लें या कर्मचारी चयन मंडल की साइट से डाउनलोड कर लें। टेलीग्राम की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो दोस्तों अब हम शुरुआत करते हैं वन रक्षक के पद से। दोस्तों वन रक्षक के कुल 1772 पद निकाले गए हैं, जिनका वेतनमान 19,500 से 62,000 तक है। हम कह सकते हैं 1900 ग्रेड पे की है जॉब है। शैक्षणिक योग्यता की यदि हम बात करें तो दोस्तों इसमें आपसे पुरानी पद्धति से हायर सेकेंडरी अथवा 10+2 पद्धति से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होने की योग्यता मांगी गई है। यहाँ पर दोस्तों आरक्षण तालिका देख सकते हैं, कुल पद हैं 1772 और आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से इसमें पदों को देख सकते हैं। दोस्तों इसके बाद हम चर्चा करेंगे आवेदकों के लिए आयु सीमा की। तो दोस्तों सबसे पहली बात, आपकी आयु की गणना 1 जनवरी 2023 से की जाएगी एवं जनरल कैटेगरी के आवेदकों के लिए यदि हम बात करें तो न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम 33 वर्ष तक का व्यक्ति इस फॉर्म को फिल कर सकता है। इसके अलावा दोस्तों चयन प्रक्रिया की यदि हम बात करें तो लिखित परीक्षा में दोस्तों क्वालिफाई करने के लिए अनारक्षित श्रेणी के उम्मीदवार के लिए कम से कम 33% एवं एसटी
एससी अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम 23% अंक अर्जित करना अनिवार्य है। और दोस्तों एक महत्वपूर्ण बिंदु यहां पर, हाँ एक चीज और, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए भी न्यूनतम अर्ह अंक में 10% की छूट प्रदान करने की बात करी गई है। और दोस्तों एक महत्वपूर्ण प्रश्न जो अक्सर अभ्यर्थियों के मन में होता है कि सर कितने गुना बच्चे फिजिकल के लिए बुलाए जाएंगे, तो दोस्तों वन रक्षक के पद पर कुल पोस्ट के 3 गुना बच्चे फिजिकल के लिए बुलाए जाएंगे, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं पाठ्यक्रम की, तो दोस्तों वन रक्षक, क्षेत्र रक्षक, जेल प्रहरी, सहायक जेल अधीक्षक, तीनों के लिए दोस्तों समान पाठ्यक्रम है। यहां पर हम एक साथ तीनों पोस्ट के लिए पाठ्यक्रम को डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों आपसे कुल 100 प्रश्न एग्जाम में पूछे जाएंगे जो 100 मार्क्स के होंगे, और इन 100 प्रश्नों को हल करने के लिए आपके लिए 2 घंटे का समय मिलेगा। और दोस्तों यह 100 प्रश्न आपके लिए कुल 5 सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे, जिसमें शामिल है सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी एवं सामान्य गणित। दोस्तों अब हम बात करते हैं शारीरिक क्षमता परीक्षण की। दोस्तों वन रक्षक पद के लिए न्यूनतम शारीरिक स्टैंडर्ड हैं, पुरुष वर्ग के लिए हाइट 163 सेंटीमीटर, सीना 79 सेंटीमीटर सामान्य एवं 5 सेंटीमीटर फुलाव। इसके अलावा दोस्तों महिला उम्मीदवारों के लिए हाइट रखी गई है 150 सेंटीमीटर। दोस्तों पैदल चाल भी है, पुरुष अभ्यर्थियों को 4 घंटे में 25 किलोमीटर एवं महिला अभ्यर्थियों को 4 घंटे में 14 किलोमीटर की दूरी पैदल पूर्ण करनी होगी। और दोस्तों डिटेल में आप इस जानकारी को पढ़ना चाहते हैं तो इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं। दोस्तों फिजिकल क्लियर होने के बाद आपके लिए मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, जो कि नियुक्ति से पूर्व शासन द्वारा नियमानुसार सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों पारस्परिक वरीयता की यहां पर बात करी गई है कि यदि 2 अभ्यर्थियों के समान नंबर होते हैं तो उस व्यक्ति का सिलेक्शन होगा या उस व्यक्ति को प्राथमिकता दी जाएगी जिस व्यक्ति की एज ज्यादा है। इस कंडीशन में ऐसा तब होगा जब अंतिम कट ऑफ मार्क्स पर समान अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवार चयन सूची में आ जाएं, तब उस समय अधिक उम्र वाले अभ्यर्थी को वरीयता दी जाएगी। दोस्तों यहां पर जिले के आधार पर पदों का विवरण दिया गया है, आप इसको देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अब हम बात कर रहे हैं क्षेत्र रक्षक की, जिसके कुल 140 पद निकाले गए हैं, जिसका वेतनमान भी 1900 ग्रेड पे है, अर्थात 19,500 से 62,000। इसमें दोस्तों योग्यता वन रक्षक के समान ही है, पुरानी पद्धति से हायर सेकेंडरी अथवा 10+2 पद्धति से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण। यहां पर आप देख सकते हैं कुल पद 140 और कैटेगरी के हिसाब से आप इनको बांट सकते हैं। दोस्तों न्यूनतम आयु सीमा वन रक्षक के समान ही है, न्यूनतम 18 वर्ष, अधिकतम आयु 33 वर्ष। 18 से 33 वर्ष का सामान्य वर्ग का अभ्यर्थी इस फॉर्म को फिल कर सकता है। आपके लिए एज रिलैक्सेशन आपकी कैटेगरी के अनुसार आपको उपलब्ध करवाया गया है। इसके अलावा दोस्तों इसमें भी वही चयन प्रक्रिया का आधार है जो कि वन रक्षक में था, 3 गुने अभ्यर्थी बुलाए जाएंगे। पाठ्यक्रम की यदि हम बात करें तो दोस्तों हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं 100 अंकों का पेपर होगा और 2 घंटे की अवधि में आपसे पेपर करवाया जाएगा। शारीरिक क्षमता परीक्षण की यदि हम बात करें दोस्तों
तो पुरुष वर्ग के लिए 163 सेंटीमीटर हाइट, 79 सेंटीमीटर सामान्य सीना एवं 5 सेंटीमीटर फुलाम। महिला उम्मीदवार के लिए 150 सेंटीमीटर हाइट निर्धारित करी गई है। इसके अलावा दोस्तों पैदल चाल हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं वन रक्षक के समान, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट भी आपको दिखाना होगा। इसके अलावा दोस्तों अब हम बात करते हैं जेल प्रहरी की। तो दोस्तों 1900 ग्रेड पे की जॉब है, वेतनमान 19,500 से 62,000 तक लेवल 4 की जॉब है। दोस्तों कुल पदों की यदि हम बात करें तो कुल 200 पद हैं, आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से इस आरक्षण तालिका में देख सकते हैं। न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता वही है, 10+2 प्रणाली से हाई स्कूल और पुरानी प्रणाली से हायर सेकेंडरी परीक्षा यदि आपने उत्तीर्ण करी है तब आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। शारीरिक मापदंड की यदि हम बात करें तो पुरुष अभ्यर्थी के लिए 165 सेंटीमीटर हाइट है और सीना बिना फुलाए 83 सेंटीमीटर। महिला अभ्यर्थी के लिए हाइट है 158 सेंटीमीटर। दोस्तों आयु सीमा समान है, 18 वर्ष कम से कम एवं 33 वर्ष अधिकतम जनरल कैंडिडेट के लिए। परीक्षा योजना की यदि हम बात करें दोस्तों तो पहले चरण में वन रक्षक क्षेत्र रक्षक के समान लिखित परीक्षा होगी जिसमें 100 प्रश्न होंगे 100 अंकों के, हर प्रश्न एक नंबर का होगा और 2 घंटे आपको दिए जाएंगे। दोस्तों इसमें आपसे सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित एवं सामान्य विज्ञान के हाई स्कूल के स्तर के प्रश्न पूछे जाएंगे। और दोस्तों यहाँ पर एक बात अलग है कि लिखित परीक्षा में चयन के बाद जिस प्रकार वन रक्षक एवं क्षेत्र रक्षक में 3 गुने अभ्यर्थी बुलाए जाते थे, जेल विभाग में 10 गुने अभ्यर्थियों को फिजिकल का मौका दिया जाएगा। तो यदि जेल प्रहरी की कुल 200 पोस्ट हैं तो फिजिकल के लिए 2000 अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा और समान अंक पर जो होंगे वो अलग से ऐड होंगे। इस प्रकार कह सकते हैं 10 गुने अभ्यर्थी में 2000 से अधिक अभ्यर्थी इन 200 पदों पर फिजिकल के लिए आमंत्रित किए जाएंगे। दोस्तों यहां पर अब हम बात करते हैं शारीरिक प्रवीणता टेस्ट की, जिसमें दोस्तों पुरुष के लिए 800 मीटर दौड़ के लिए 2 मिनट 50 सेकंड दिए जाएंगे, महिलाओं के लिए 4 मिनट दिए जाएंगे एवं भूतपूर्व सैनिक एवं होमगार्ड के लिए 3 मिनट 15 सेकंड का समय दिया जाएगा। इसके अलावा गोला फेंक के लिए दोस्तों पुरुष के लिए 20 फिट फेंकना होगा जिसमें गोले का वजन होगा 7.26 किलोग्राम। महिला अभ्यर्थियों के लिए 16 फिट गोला फेंकना होगा जिसका वजन होगा 4 किलोग्राम। दोस्तों नियुक्ति के पहले यहां पर भी आपको मेडिकल, दोस्तों मेडिकल परीक्षण तो लगभग सभी एग्जाम में आपसे करवाया ही जाता है लेकिन वर्दी वाली पोस्टों में स्टैंडर्ड कुछ ज्यादा मजबूत होते हैं। दोस्तों अब हम बात करेंगे सहायक जेल अधीक्षक असिस्टेंट जेल सुपरिटेंडेंट की। दोस्तों पदनाम है सहायक जेल अधीक्षक, कार्यपालिक पद है, कुल 33 पद निकाले गए हैं, वेतनमान है 32,200 से 1,14,800। लेवल 9 की जॉब है दोस्तों, 3600 ग्रेड पे की जॉब है जो कि मध्य प्रदेश सब इंस्पेक्टर नायब तहसीलदार का भी होता है। ध्यान रखे दोस्तों यहां पर आपके लिए यदि हम इनके कंधे के ऊपर स्टार की बात करें तो दोस्तों 3 स्टार पोस्ट है रेड ब्लू रिबन के साथ। दोस्तों एक बात और मैं क्लियर कर दूं, जेल विभाग में बिना रिबन के स्टार की कोई पोस्ट नहीं है, जैसा कि हम पुलिस विभाग में देखते हैं डीएसपी, सीएसपी, एसडीओपी या एसीपी, इन रैंक के जितने भी अधिकारी होते हैं पुलिस में उनके लिए 3 स्टार लगे होते हैं किंतु रिबन नहीं होते हैं, ब्लू एवं रेड कलर के आप जो रिबन देखते हैं कंधे के ऊपर पतले पतले वो नहीं होते हैं, लेकिन जेल विभाग में बिना रिबन की कोई भी पोस्ट नहीं है, सहायक जेल अधीक्षक को रिबन के साथ 3 स्टार दिए जाते हैं। यहाँ पर दोस्तों आरक्षण तालिका दी गई है, यहाँ पर कुल 33 पद हैं, आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से यहाँ पर पदों को देख सकते हैं। न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता की यदि हम बात करें तो दोस्तों किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि आपके पास होनी चाहिए तभी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। शारीरिक मापदंड की यदि हम बात करें तो पुरुष अभ्यर्थी के लिए दोस्तों हाइट 168 सेंटीमीटर,
सीना बिना फुलाए 84 सेंटीमीटर एवं फुलाने के पश्चात 89 सेंटीमीटर रखी गई है। महिला अभ्यर्थियों के लिए ऊंचाई 155 सेंटीमीटर निर्धारित करी गई है। दोस्तों डिटेल यदि आप और पढ़ना चाहते हैं तो आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। आयु सीमा की यदि हम बात करें दोस्तों तो समान है, कम से कम 18 अधिकतम 33 वर्ष की आयु का जनरल कैटेगरी का मेल कैंडिडेट इस फॉर्म को फिल कर सकता है। इसके अलावा दोस्तों अन्य कैटेगरी के लिए जनरल फीमेल और दूसरी कैटेगरी के लिए अधिकतम आयु 38 वर्ष तक रखी गई है। आयु की गणना दोस्तों 1 जनवरी 2023 से होगी, इस बात का भी आप ध्यान रखें। दोस्तों अब हम बात करेंगे परीक्षा योजना की। दोस्तों समान है सारे एग्जाम्स, सारे पदों के लिए 100 प्रश्न होंगे, 100 अंकों के होंगे, समय अवधि 2 घंटे मिलेगी आपको। बस अंतर इतना आ गया है कि यहाँ पर आपसे जो सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित एवं सामान्य विज्ञान होगा, वहाँ स्नातक स्तर के प्रश्न सम्मिलित होंगे। इसके पहले जो हमने पॉइंट पढ़ा था लिखित परीक्षा वाला, वहाँ हमने देखा था 10वीं स्तर के, यहाँ पर लिखा है स्नातक स्तर के। दोस्तों इस हिसाब से इसका अलग एग्जाम होना चाहिए, लेकिन इस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि यहाँ पर इस प्रकार से उल्लेख नहीं है। हालांकि शुरुआत में यह जरूर लिखा था कि आपके लिए जो आवेदन शुल्क रखना है या आपके लिए जो आवेदन शुल्क देना है वह ₹500 प्रति प्रश्न पत्र जनरल कैटेगरी के लिए और ₹250 प्रति प्रश्न पत्र आरक्षित वर्ग के लिए रखा गया है। तो दोस्तों इस बारे में स्पष्ट जानकारी के लिए हम आपको एक अलग से वीडियो बनाएंगे, फिलहाल आप इन बिंदुओं पर ध्यान रखें। दोस्तों सहायक जेल अधीक्षक में भी आपके लिए कुल पद के 10 गुना अभ्यर्थी फिजिकल के लिए बुलाए जाएंगे। कुल 33 पद हैं, इसके 10 गुना अभ्यर्थी दोस्तों इस प्रकार से 330 प्लस अभ्यर्थी आपके लिए फिजिकल के लिए बुलाए जाएंगे। दोस्तों मैंने 330 प्लस क्यों कहा, क्योंकि समान कट ऑफ मार्क्स पर काफ़ी सारे कैंडिडेट होते हैं तो कम से कम 10 गुना तो अभ्यर्थियों को बुलाया ही जाना है। यदि एक नंबर पर काफ़ी ज़्यादा अभ्यर्थी हैं तो उनको भी फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है। दोस्तों यदि हम बात करें सहायक जेल अधीक्षक के लिए शारीरिक प्रवीणता टेस्ट की, तो दोस्तों 800 मीटर की दौड़ होनी है जो कि पुरुष वर्ग के लिए 2 मिनट 50 सेकंड में पूरी करनी होगी एवं महिला के लिए 4 मिनट दिए जाएंगे। इसी प्रकार से गोला फेंक में दोस्तों 7 किलो 260 ग्राम का गोला पुरुष वर्ग को 20 फिट फेंकना होगा और 4 किलो का गोला महिला अभ्यर्थियों के लिए 16 फिट फेंकना होगा। दोस्तों यहाँ पर एक लाइन नीचे लिखी है जो मुझे दिख गई है, यदि दौड़ में क्वालिफाई नहीं करता इंसान तो गोला फेंक में भाग नहीं दिया जाएगा। सीधी सी बात है, पहले आपको दौड़ाया जाएगा, यदि आप दौड़ क्वालिफाई नहीं करते तो आपसे गोला क्यों फेंकवाएंगे, क्योंकि क्वालिफिकेशन आपको दोनों चाहिए। अब एक में डिस्क्वालीफाई होते हैं तो स्वाभाविक सी बात है दूसरा कराने का औचित्य खत्म हो जाता है। हाँ दोस्तों यहाँ पर एक और बात लिखी हुई है, शारीरिक प्रवीणता परीक्षा की वीडियो रिकॉर्डिंग की जाएगी, अपने प्रदर्शन मूल्यांकन से असंतुष्ट रहने पर चयन समिति के समक्ष तत्काल अपील की जाएगी, जो उसका वीडियो रिकॉर्डिंग देखकर निराकरण करेगी। दोस्तों किसी भी स्थिति में उम्मीदवार को दूसरा अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा, यहाँ पर ऐसी बात स्पष्ट रूप से लिखी है सहायक जेल अधीक्षक वाले सेगमेंट में, इस बात को आप ध्यान रखें। और दोस्तों सभी पदों के लिए जिन 4 पदों की हमने बात करी, फिजिकल टेस्ट दोस्तों क्वालिफाइंग नेचर का है। हम सुन रहे थे कि SI में फिजिकल के नंबर अब से जुड़ने हैं, तो देखते हैं SI में क्या होता है। फिलहाल इन 4 पदों के लिए फिजिकल टेस्ट को केवल क्वालिफाइंग रखा गया है, तो इन सभी बातों का आपको ध्यान रखना है। दोस्तों मेडिकली फिट तो वर्दी वाले जॉब में आपको होना आवश्यक है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने संक्षिप्त में चर्चा करने की प्रयास किया इस नोटिफिकेशन के बारे में। उम्मीद है आपको हमारे इस वीडियो से इन पदों के बारे में जानकारी एकत्रित करने में सहायता मिलेगी। लगातार मेहनत करते रहें, तब तक ना रुकें जब तक कि आपको आपका लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाता। जय हिंद।